हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ग्रीष्मा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ग्रीष्मा रवि मिश्रा में। ये देखिए मेरा बच्चा कैसे देख रहा है, देखो इसको। हाय बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो सबको। हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? हेलो। आपको हेलो बोल रहा है। तो मैंने अभी ब्लॉगिंग, आज है 12 जून, मैंने अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी मॉर्निंग में, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम है। मम्मी, ये देखिए मेरी चाय बन रही है। आज मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी, अभी मेरी चाय बन गई, मैंने नहा लिया है, पूजा उजा कर लिया है। 12 कितना होता है? 12 बेबी, 1 to 12। और तो जून, और मेरी जून? चाय बन रही है। और जून क्या होता है? और जून क्या होता है? तो हम लोग फटाफट चाय पियेंगे, उसके बाद हम लोग सामान वो पैक कर रहे हैं, मूवर वाले भैया आएंगे, फिर वो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी उठ गए थे, तो क्योंकि हम लोग को सामान पैक कराना है, तो इसलिए आज जल्दी उठ गए थे। तो मैं सोचा कि वो आपके साथ शेयर करूँ, क्या है क्या नहीं है, कैसे पैकिंग हो रही है, अरे पैकिंग क्यों हो रही है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। अभी तो हम लोग फिलहाल के लिए जा रहे हैं, मेरी चाय पक गई है, देखिए एकदम पक गई है। तो मैं जा रही हूँ इसको, उसके बाद फटाफट मैं नाश्ता बनाऊंगी, उसके बाद 10 बजे तक भैया आ जाएंगे, उसके बाद मुझे सब पैक कराना है, तो फिर वो आपके साथ वीडियो बाद में शेयर। और तब तक मैं टीवी देखते रहूंगा। हाँ, अब जाओ टीवी देखो। तो मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। बाय बाय। मेरे भाई बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप भी चले जाओ, आप मेरे चैनल पे बने रहिए। मेरे वीडियो को अगर आप नए हैं देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो आगे कंटिन्यू करूँगी, इसलिए मैं बाय बोल रही हूँ, बाकी आपको मैंने बाय नहीं बोला है, इसलिए प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिए। ओके, ये देखिए मेरे घर की हालत। चलिए आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ मेरी पैकिंग कैसे हो रही है। देख रहे हैं, ये देखिए ये लहंगा जो मैंने सिस्टर की शादी में पहना था ये है, और ये लहंगा है जो मैंने मेरी एंगेजमेंट में पहना था। ये देखिए ये सब मेरी साड़ी है, ये यहाँ पे रखी है। ये देखिए मेरी बैंगल्स है जो मैंने अपनी इंगेजमेंट में पहनी थी। ये देखिए मेरे बच्चे का झूला, वो मेरे बच्चे की साइकिल। देखिए बेड की हालत, ये देखिए कंबल, साउंड, ये बैग, ये देखिए। तो ये दिखाती हूँ आपको जो मैंने पहना था लहंगा, तिलक में पहना था वो लहंगा दिखाती हूँ। देखिए इसमें है मैंने जो तिलक में पहना था, जो मैंने तिलक में पहना था आपने देखा होगा वो है। ये कपड़ा आया था मेरी सिस्टर के यहाँ से मेरे बच्चे के लिए। देखिए मेरा हालत, ये उसके सब टॉयज, ये देखिए 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 यहाँ पे देखिए सब क्या। देखा आपने इतना सारा काम है, किचन भी ऐसे ही सब पड़ा हुआ है, सब पैकिंग करनी है सब पूरा। ये देखिए 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 पूरा, देखा आपने कितना सारा काम है मेरे पास।
अभी फिर मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा मैं पैक कर लूँ। ये देखिए मेरी सब साड़ियाँ यहाँ पड़ी हैं, ये देखिए इतनी सब अभी और पैक करनी है, कबर्ड में है सारी, बैग में अभी ये दिख रही है नीचे बैग, इसमें अभी है एक बैग, बाहर है उसमें सब पड़ा हुआ है। ऐसे ही सब है। देखिए अभी मैं पूरा पैक हो जाएगा, पूरा क्लीन हो जाएगा मेरा घर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाय एवरीवन, ये देखिए मैंने सारा सामान निकाल दिया है, अभी तक वो पैकर वाले भैया आए नहीं, तो मैं सुबह से ये काम करते करते पूरा निकालते कबर्ड में से, बेड मतलब हर जगह से निकालते निकालते सामान, ये इतना इधर है, इतना सारा अभी किचन में पड़ा हुआ है, बेडरूम में पड़ा हुआ है, तो मैं बहुत थक गई, तो मैं सोची थोड़ा रेस्ट कर लूँ, थोड़ा आपसे बात भी कर लूँ। देख रहे हैं सामान शिफ्ट करने में कितना टाइम लगता है, देखिए पूरा घर कैसे हुआ है। अभी वो आ गए हैं भैया, अभी कॉल आई थी नीचे से, सुबह से एकदम सुबह सुबह होती हूँ, अभी तो मुझे नींद भी आने लगी है। चलिए अभी भैया आ रहे हैं, अब वो अपना पैक करना प्रोसेस चालू करेंगे, तो फिर देखिए अभी तो आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा है, बाद में देखिएगा जब वो सामान पैक होता है ना, कितने सारे कार्टन बॉक्सेस पैक होते हैं इसमें, अभी देखना आप। यहाँ पे मैंने अपना स्टार्ट कर दिया था, मतलब कपड़े तो मैंने निकाल लिए थे, बट ये साड़ी वाला थोड़ा सा रह गया था, इसमें एक एक करके मैं अपनी साड़ी, देखिए ये वो साड़ी है जो मैं कभी कभी मतलब ऐसे पहन लेती हूँ, एक के ऊपर दो दो तीन तीन ऐसे करके सब मैंने रखा है। जगह ही नहीं बचती, कितने भी बड़े घर हों, कितने भी बड़े कबर्ड हों, कितने भी बड़े कुछ भी हों, कुछ ना कुछ कम ही पड़ जाता है, तो मैंने इसलिए जब जैसे जैसे निकालती थी मतलब बैग में से जो अंदर रखे हैं, क्योंकि साड़ी तो बहुत कम पहनती हूँ लेकिन बैग में रखती हूँ, तो जैसे जैसे जो जो निकलती जाती थी वैसे वैसे मैं एक एक के ऊपर एक एक दो दो मतलब उसी में एडजस्ट करके। वैसे मेरे हस्बैंड का कवर है, सॉरी कबर्ड है, आप देख सकते हैं उनके ही कपड़े इसमें रहते हैं, बट ये ऊपर का खाली था हैंगर और मेरा पूरा फुल था, तो मैंने कहा कि अब ये मैं कहाँ रखा करूँ, ये मैं एक काम करती आप वाले में भी मैं थोड़ा सा अपनी जगह बना लेती हूँ, तो बोले कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें भी अपने थोड़े से एडजस्ट कर लिए थे। यहाँ पे अभी इसमें इतने सारे ये दिख पड़े, ये देखिए इसमें मेरे पूरे, ये देखिए पूरे बैंगल ही सब बॉक्सेस पड़े हैं, इसमें मैं किसी दिन आपको अपना कलेक्शन दिखाऊंगी बैंगल्स के पूरे, अभी तो पैकिंग हो रही है अभी तो नहीं दिखा सकती, लेकिन एक दिन पूरे बैंगल्स के कलेक्शन दिखाऊंगी अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो, अगर आपको देखना है तो, अदरवाइज कोई नहीं। ये देखिए यहाँ पे मेरी पैकिंग स्टार्ट हो गई थी, वो भैया आ गए थे, आने तो उनको तीन लोग थे, बट उनकी थी कहीं वो मतलब गाड़ी की चेन वेन खराब हो गई थी, तो अभी तो जब पहुँच पाए थे, आगे आप देखेंगे कि हैं दो लोग और आ गए थे, तो अभी लेट आए थे, उनका भी आप वेट मत करिए, वैसे भी लेट हो गया, इनको 10 बजे आना था, तो अभी आए थे, उनका आप धीरे धीरे बात करिए, उसके बाद जैसे भी आएंगे सब लोग पैक करेंगे। ये देखिए सामान कितना, पूरा किचन कैसे हुआ है एकदम, तो देखिए वो फिर आ गए थे, देखिए तो लोग और आ गए थे, तो लोग थोड़ा सा जल्दी करेंगे, अगर किसी ने कभी मतलब ये पैकिंग आप क्या करवाई होगी पैकेट एंड मूवर से सामान अपना पूरा घर शिफ्ट किया होगा, तो उसको पता होगा कि कितनी प्रॉब्लम होती है घर शिफ्ट करने में, कितना टाइम उसके लिए जाता है। हम लोग 2-3 दिन घूमने कहीं जाते हैं तो कितना हम टाइम टेबल ऊपर नीचे हो जाता है, सामान पूरा सोचिए पूरा घर भी, देखिए कितने बॉक्सेस हैं, मैंने आपको बोला था ना बहुत सारे बॉक्सेस हो जाएंगे, ये भी तो कम ही था अभी,
अभी उसके बाद और सारे ये देखो यहाँ पे काफ़ी बॉक्सेस निकल गए थे, ये मेरी बैग, ये मेरी टीवी, ये देखिए उस टाइम तो मैंने किचन के दिखाए नहीं थे, देखिए किचन के अलग से यहाँ पे रखे हैं कितने सारे, ये देखिए इतने वो धीरे धीरे बाहर निकालते जा रहे थे, रखते जा रहे थे, ये देखिए उतने बाहर रखे थे लिफ्ट के पास नीचे ले जाने के लिए, इतना घर में देखिए इतने यहाँ पड़े हुए हैं, देख रहे हैं कितने सारे बॉक्सेस हैं पूरा घर, इमेजिन करिए क्या होता है ये मेरी पैकिंग मोस्टली कंप्लीट हो गई है, ये वो सामान है जो मुझे नहीं ले जाने हैं, झूला और वो है मैट्रेस जो मम्मी के यहाँ रखना है, ये बैग मैं ले जाऊंगी इसलिए मैंने रखा है, चलिए आपको बाहर निकालती हूँ, ये देखिए सब खाली हो गया, ये देखिए पूरी पैकिंग हो गई है मेरी, ये भी खाली, ये देखिए ये वो कपड़े हैं जो मैं अपने साथ अपने बैग में लेकर जाऊंगी, ये कमरे का भी ये कबर्ड भी देखिए सब खाली हो गया, हो गया ना भैया बेटा हटो हटो, अंकल चेयर लेकर जा रहे हैं, हटो साइड साइड साइड, इतनी बड़ी चेयर, हट जा बेटा, ब्रोकली होगा, मैं ऑयल लगा रही हूँ, आज सुबह से बहुत ज्यादा थक गई थी, बहुत से दर्द करने लगाए थे, उस दिन तो मम्मी थी, मम्मी मेरा मसाज कर दी थी अच्छे से, लेकिन आज कौन करेगा, आज तो मुझे ही करना है, तो देखिए मैं खुद ही कर रही हूँ, मेरा सारा सामान चला गया, अब मेरी थोड़ी सी पैकिंग बस हो गई है, थोड़ी सी रह गई है, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ रखा है, थोड़ा सा बैग यहाँ पे रखा है, और ये थोड़ा सा सामान जो है ये मुझे मम्मी के यहाँ पे पहुँचाना है, ये देखिए मेरा बेड साफ हो गया, मेरा सामान सब गया, तो हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड का वहाँ पे जॉब शिफ्ट हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग न्यू जगह जा रहे हैं तो इसके पहले हम लोग हैदराबाद में थे, फिर हम लोग अभी मुंबई आए, फिर मुंबई से हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये आपको मैं वहाँ पहुँचने के बाद बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तो मैंने सोचा कि देखिए मैं थोड़ा सा ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ, पैकिंग घर शिफ्ट करना कितना मुश्किल का काम होता है, पूरा टाइम निकल गया, अभी 8:30 हो रहा है सुबह 11 बजे से शाम को 6 बज गए, पूरा शिफ्ट करने में पूरा पैकिंग करवाने में, पैक तो वो लोग कर रहे थे बट कौन सा सामान कहाँ रखना है कैसे रखवाना है पूरा अरेंज करना है पूरा निकाल के देना उनको, तब आज मुझे सोने भी नहीं मिला, आप मेरी आंखें कुछ देख सकते हैं खुद ही, थोड़ी सी रेड रेड सी लग रही है नींद नींद से, और हेडेक तो बहुत हो रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा मसाज कर लिया, और आज मैंने खाना भी नहीं मंगाया, मेरे हस्बैंड ने बाहर से ऑर्डर कर दिया है क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, मेरा पैर दर्द करने लगा था, सर भी दर्द करने लगा था,
इसलिए मैंने कहा मैं सोचा आपसे थोड़ी बात कर ली जाए, तो इसीलिए मैंने हेयर मसाज करते करते मैंने आपसे बात भी कर लिया। तो ब्लॉग का मैं यही एंड करूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिए, नेक्स्ट ब्लॉग मैं जल्दी डालूँगी। मे बी हो सकता है वो मेरे ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, मतलब हम कैसे जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप इसको देखिए, लाइक शेयर कमेंट करिए प्लीज़, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।